एबीपी सी वोटर सर्वे ने ये जानने की कोशिश की है कि क्या धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वालों को सरकार बचा रही है या फिर नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि हरिद्वार में धर्म संसद के मामले में राजनीतिक बयानबाजी हो चुकी है। हरिद्वार में हाल ही में आयोजित धर्म संसद के दौरान कुछ प्रतिभागियों के कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले की जाँच के लिए रविवार को SIT गठित की गई। गढ़वाल के पुलिस उप महानिरीक्षक DIG KS नागयाल ने बताया कि मामले की जाँच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जाँच टीम SIT बनाई गई है। नागयाल ने बताया कि अगर जांच में पुख्ता सबूत मिलते हैं तो गिरफ्तारी होगी। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद को घृणा भाषण वाले सम्मेलन करार दिया और इसकी निंदा की। विपक्षी दलों की मांग है कि इससे सम्मेलन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले पर एवीपी सी वोटर सर्वे में यह जानने की कोशिश की गई कि क्या धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वालों को सरकार बचा रही है। इस सवाल के जवाब में 38% लोगों ने माना कि हाँ, सरकार ऐसे लोगों को बचा रही है। वहीं 40% लोगों ने माना कि नहीं, सरकार भड़काऊ भाषण देने वालों को नहीं बचा रही। वहीं 22% जनता ने इसका जवाब पता नहीं में दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें वसीम रिजवी, जिन्होंने पिछले महीने हिंदू धर्म अपनाने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी नाम रख लिया है, साध्वी अन्नपूर्णा धर्मदास, संत सिंधु सागर और धर्म संसद के आयोजक और गाजियाबाद के दासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद शामिल है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।